फ्रेंड्स वेलकम टू टेक इन्फीवायर। और आप जानते हैं कि एप्पल ने अपना आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स रिलीज़ कर दिया है। आज जानते हैं इनके स्पेक्स के बारे में, इनके अंदर क्या क्या खूबियां दी गई है उसके बारे में। तो आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है वो 6.9 इंच का टच स्क्रीन वाला फ़ोन है, जो अभी तक का एप्पल का सबसे बड़ा और बेहतरीन स्क्रीन है। कैमरा की बात कही जाए तो इसमें भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और वो 4K रिकॉर्ड करता है एट 120 FPS। तो जानते हैं 4K 120 FPS, ये जो वीडियो आप यहाँ पे देखने वाले हैं, जो इन्होंने पूरा का पूरा शूट किया हुआ है 4K के अंदर 120 FPS के साथ, प्रो रेस रॉ और बाकी के जो दूसरे कोडेक्स रहते हैं उसके साथ। कैमरा के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ये एक 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा देता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है आपको। और इसके अंदर एप्पल का A18 प्रो 3 नैनोमीटर वाला जो नया चिप है, लेटेस्ट चिप है, जो हेक्सा कोर CPU वाला है, और जो GPU है वो भी 6 कोर GPU है, जो एकदम प्रोफेशनल डेस्कटॉप का रेटिंग दिया जाता है उस टाइप का, उस उतना कैपेबल वो GPU है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा पावर है, कितना ज़्यादा जूस है। वीडियो और इमेज स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो इसमें सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो कि आजकल मिररलेस कैमरास में दिखाई देता है। और इसी के साथ ही इसमें 5x ऑप्टिकल जूम भी दिया गया है। कलर्स ट्रू टू लाइफ है, उसका जो फिडेलिटी है कलर्स का वो बहुत बड़ा है। और एप्पल को अगर यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें जो भी कलर गेमट जो रहता है वो बहुत ही प्रीसाइज होता है और बहुत बड़ा रहता है। तो इसके अंदर आप बिलियंस ऑफ कलर्स शूट कर सकते हैं। और 4K 120 का जो जूस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वीडियो जो इन्होंने शूट किया हुआ है द वीकेंड के साथ, वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल टाइप का शूटिंग किया हुआ है। इसी के साथ साथ कैमरा और फ़ोन के अंदर भी बहुत सारे स्पेटियल ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, ताकि आप इधर से जो साउंड आता है वो आप कहीं से भी आ रहा है, किसी डायरेक्शन से आ रहा है, आगे से पीछे से साइड से, तो आप उसको गैस कर सकते हो। इसका मेन बेनिफिट आपको विजन प्रो में और ईयरफोन्स जो है एप्पल के एयरपॉड्स प्रो ये लगाने के बाद पता लगता है, क्योंकि आपको उसके अंदर वो इफेक्ट दिखाई पड़ता है। सेल्फी कैमरा इसके अंदर अभी भी 12 मेगापिक्सल वाला ही है और वो उसमें चेंज नहीं किया गया है, तो इसके बारे में एप्पल ने कल मेंशन भी नहीं किया था। आईफोन वैसे भी पानी और वाटर रेजिस्टेंट है, यानी डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है, वेदर रेजिस्टेंट है, तो आपका जो भी शूट है वो आप पानी में, बारिश में भी शूट कर सकते हैं फॉर सम टाइम दैट इज़। तो ये बहुत ही कैपेबल कैमरा है, आप देख ही सकते हैं इसके रिजल्ट्स जो हैं। प्रोफेशनल लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, कमाल का फ़ोन है, जो आपको काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ ओपन करके देता है। ये आपका हो सकता है $999 में, और जो प्रो मैक्स वाला वर्जन है उसे ख़रीदने के लिए लगभग आपको $1200 खर्च करने पड़ सकते हैं। इंडिया में ये कब आएगा? तो ये आ सकता है जी सितंबर एंड में, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर एक थम्स अप दे दें, लाइक दे दें। थैंक यू सो मच।